हेलो एंड वेलकम टू गेट योर रेस्टोरेंट डॉट कॉम। आपका मेरे सुपरहिट रेस्टोरेंट बिल्डिंग चैनल में स्वागत है। मेरा नाम गोपाल कामत है और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ। आप सबका ये वीडियो, अगर आप सबको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में या फूड बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पूरे इंडस्ट्री को एक साथ कैसे देखा जाए, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स होते हैं, कैसे उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए और आपका कॉन्सेप्ट कैसे आप चूज़ करें। इससे पहले कि हम लोग ये रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड के बारे में बात करें, मुझे आपको एक खास बात बतानी है। मेरा एक बुक रिलीज हुआ है, इसका नाम है रेस्टोरेंट सीक्रेट्स, हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट फास्ट इवन इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। ये जो बुक है ये अभी डिजिटल फॉर्मेट में है, ये ई बुक के फॉर्मेट में है और इसे अगर आप, इसके अंदर बहुत सारे डिटेल में मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में लिखा है, और अगर ये बुक आपको चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जाके इसे ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.getyourrestaurant.com, अगेन www.getyourrestaurant.com। सो ये था मेरे बुक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आज के खास टॉपिक पे जिसका नाम है रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड। सो ये रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड, आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने क्या बना दिया ये क्या ड्रॉ कर दिया गोपाल कामत ने, और ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये पिरामिड दिख रहा है, यहाँ पे एरो है, ऊपर एरो है, नीचे एरो है। सो ये जो पिरामिड है, रेस्टोरेंट फिजिबिलिटी पिरामिड, ये पिरामिड शब्द आता है इजिप्ट से। इजिप्ट में आपने देखा होगा, इजिप्ट कंट्री में ये बड़े बड़े ट्रायंगुलर पिरामिड्स होते हैं। सो बेसिकली ये एक ड्राइंग के अंदर आपको पूरे फूड इंडस्ट्री का बर्ड्स आई व्यू मालूम पड़ता है। बर्ड्स आई व्यू मतलब अगर आप आपने कभी एरोप्लेन से सफ़र किया है, विमान से सफ़र किया है, तो आपने ऊपर से देखेंगे तो पूरा आपको गांव या पूरा शहर एक साथ ऊपर से देखने मिलता है, जिसमें अलग अलग घर होते हैं, रस्ते होते हैं, झाड़ दिखते हैं आपको, स्कूल दिखते हैं, कॉलेजेस दिखते हैं, सब एक साथ आपको बर्ड्स आई व्यू में ऊपर से देखने को मिलता है। वैसे ही ये फूड बिजनेस का पूरा बर्ड्स आई व्यू आपको ये वाले ट्रायंगल में देखने मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं ट्रायंगल के बेस से। जो मिनिमम बेस होता है, ये बेस का मतलब है जो सबसे ज्यादा लोगों को कवर करे, सबसे ज्यादा से ज्यादा मासिस को कवर करे, और वो ट्रायंगल का बेस होता है जिसका हम लोगों ने जो QSR बोलते हैं हम, जैसे कि अभी आपने स्टेशन के सामने आपको बीकानेरी शॉप्स दिखेंगे, या फिर बर्गर किंग्स, जंबो किंग्स, या फिर जो लोग मासिस को फूड सप्लाई करते हैं। आज की तारीख में तो बॉम्बे में चाय वाले भी, काफ़ी चाय का ब्रांड आ गया है। तो ये सब ब्रांड जो है ये ज़्यादा करके मासिस को कवर करते हैं। इनका जो वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स होता है वो काफ़ी हाई होता है, बट कंपेरेटिवली इनका प्रॉफिट मार्जिन्स काफी मीडियम होता है, बट ये लोग वॉल्यूम में कवर कर लेते हैं। सो इनका जो लॉन्जिटिविटी होता है, मतलब जो साल, जितने साल वो बिजनेस में जाते हैं, ये लॉन्जिटिविटी इनका काफी हाई होता है, क्योंकि ये स्केल करने के लिए भी काफी इजी हो जाते हैं। स्केल के मतलब ये एक का दो, दो का चार, चार का पांच एक्सपांशन करने में काफी इजी रहते हैं, क्योंकि ये छोटे आउटलेट्स रहते हैं। सो और इनका प्राइस पॉइंट जो होता है यहाँ पे, ये काफी लो होता है कंपेयर टू हमारे बाकी के जो सब पिरामिड में जो बाकी के कंसेप्ट है उनसे कंपेयर करेंगे तो इनका प्राइस पॉइंट काफी लो होता है। तो ये हो गया एक नंबर। ये दूसरा वाला जो इससे एक लेवल ऊपर जो है, ये है वेज UDP रेस्टोरेंट्स या सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स मतलब रेस्टोरेंट जैसे कि पंजाबी खाना हुआ, महाराष्ट्रियन खाना हुआ, मालवणी खाना हुआ, या कोई भी अलग टाइप का चाइनीज खाना हुआ, सिंगल क्यूजिन रेस्टोरेंट्स होते हैं। इनका जो फूड का जो टारगेट क्लाइंटेल होता है वो भी मासिस ही होता है, बट जो ये लोअर इनकम और मिडिल क्लास से थोड़ा हाई होता है इनका टारगेट क्लाइंटेल। कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होती है इसके लिए। ये देखिए, ये जो प्राइस पॉइंट का एरो ऊपर जा रहा है, इसमें ये सेकेंड लेवल पे है। सो यहाँ पे आपको इनका जो लाइफ होता है ये भी काफी ज्यादा होता है, और ये स्केलेबल भी काफी इजीली हो जाते हैं। अब भी ये जो तीसरा मॉडल मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरा मॉडल आज की तारीख में फूड बिजनेस को
चैलेंज दे रहा है, ये मार्केट डिस्ट्रप्टर है। मार्केट डिस्ट्रप्टर का मतलब, जैसे कि अभी टैक्सी बिजनेस में आपने देखा होगा कि ओला कैब्स आ गए हैं, उबर कैब्स आ गए हैं, तो जो हमारे पुराने टैक्सी वाले थे उनका मॉडल उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले टैक्सी वालों के पास हमें जाना पड़ता था, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था, अरे भाई ले चलो, बहुत सारे लोग ना बोलते थे, बट अभी चूंकि ओला और उबर आ गए तो आप ऐप के ऊपर से बुकिंग कर सकते हैं, आपको ड्राइवर ना नहीं बोल सकता और आपको सर्विस भी अच्छी मिलती है। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा जाता है बट आपको एसी गाड़ी में घूमने मिलता है, तो वो हो गया मार्केट डिस्ट्रप्टर। वैसे ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का मार्केट डिस्ट्रप्टर है क्लाउड किचन्स और ये होम डिलीवरी मॉडल, जहां पे आपने अगर पहले देखा होगा तो ये जो रेस्टोरेंट है यहां पे कस्टमर ने जाके खाना खाना पड़ता था, लोगों ने जाके खाना खाना पड़ता था, वेरेज क्लाउड किचन और होम डिलीवरी मॉडल में लोग घर में बैठ के खाना मंगाते हैं, एक ऐप के जरिए वो लोग बुकिंग ऑर्डर देते हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मंगाते हैं। ये सब ये पूरे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्टर है। इससे ऊपर अगर हम चले तो कैफेज और कॉफी शॉप्स और फास्ट फूड्स हो गए, इनका जो कॉस्ट है वो आपके ओडीपी रेस्टोरेंट से काफी हाई होता है और इनका लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है, क्योंकि कैफेज और कॉफी शॉप्स जो होते हैं वो अच्छे लोकेशंस में होते हैं और अच्छे लोकेशंस में होने की वजह से उनका रेंटल हाई होता है और रेंटल हाई होने की वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होने की वजह से लाइफ भी काफी कम होता है। इससे अगर हम ऊपर चले और एक तो आपको कैजुअल फाइन डाइन और वेज नॉन वेज बार्स और लाउंजेस मिलेंगे, ये आपको मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास और रिच लोगों को केटर करता है। इनका फूड कॉस्ट और इनका कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और उसके वजह से इनका भी लाइफ कंपैरेटिवली 2 से 4 साल के रेंज में होता है। इनका प्राइस पॉइंट भी काफी हाई होता है और लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस काफी कम होने लगता है। और ये क्लाउड किचन जो मार्केट डिस्ट्रप्टर है, इसका मैं एक बात बताना भूल गया, इसके अंदर आपको लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस भी इसका ठीक ठाक होएगा होना चाहिए, और क्योंकि ये मासिस को भी केटर करता है और क्लासेस को भी केटर करता है। खाना तो दोनों जगह से मंगाते हैं, रिच लोग भी मंगाते हैं और कंपैरेटिवली मिडिल क्लास भी मंगाते हैं, और इनका जो प्राइस पॉइंट होता है ये भी मीडियम लेवल होता है। तो ये क्लाउड किचन ये बहुत बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्टर है। अतः तो वापस चले हम लोग, जो लास्ट हमारा पिरामिड का टॉप एंड है वो है हाई एंड और प्रीमियम रेस्टोरेंट्स। ये जो प्रीमियम रेस्टोरेंट्स है ये रिच लोगों को केटर करता है और हायर मिडिल क्लास को केटर करता है, और ये काफी कम स्केलेबल होता है क्योंकि ये बनाने में काफी खर्चा आता है, ये काफी उसके अंदर डेकोर में खर्चा आता है, इनका जो बाकी के सब चीजें जगह बड़ी लगती है, एरिया पॉश लगता है इसके लिए। ये कंपेयर टू आपके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो ज्यादा स्केलेबल होते हैं, स्केलेबल मतलब जितने फास्ट आप बढ़ सके एक्सपांशन वाइज, ये वाला काफी कम स्केलेबल होता है बट इसका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है और इसका वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स काफी लो होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिन में समझो 1000 लोग आके खाना खा रहे हैं, यहाँ पे शायद 50 या 60 लोग या 100 लोग ही आके खाना खाएंगे, इतना कम होता है, बट इनका रेट ज्यादा होने की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है और प्रॉफिट मार्जिन हाई होने की वजह से ये काफी प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट होते हैं। तो आपको ये सब देख के, ये सब मॉडल देख के चूज करना है आपका एरिया कौन सा है, आपके पास बजट कितना है, आपको कौन से टारगेट क्लाइंटेल के पीछे जाना है, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा रेस्टोरेंट ओपन करना है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। ये चैनल का नाम है गेट योर रेस्टोरेंट, यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली बार कोई वीडियो मैं रिलीज करूँ वो आपको तुरंत देखने मिले। और ये जो चैनल है ये जरूर आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं और शेयर करूँगा आपके साथ नए नए सीक्रेट्स फ्रॉम दी फूड इंडस्ट्री एंड दी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। गुड बाय, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। दिस इज गोपाल कामत साइनिंग ऑफ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।